हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फरागत विद फराज। तो यार आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का रमदान क्रिकेट का तीसरा T20 कंप्लीट हुआ और बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलर मैच होने के बाद बहुत ही एंड में तो ऐसा लग रहा था कि यार पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने जो है फाइनली पहली विक्ट्री इस टूर की जो है वो ग्रैब कर ली और बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि यार अगर आज पाकिस्तान जीत जाता तो फिर बाकी दो मैचेस का ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। एटलीस्ट अब सीरीज़ अलाइव है और किकिंग है, जिसको हम कहते हैं ना अलाइव एंड किकिंग। तो मैच पे एनालिसिस शुरू करते हैं। इम्पैक्टफुल प्लेयर या इम्पैक्टफुल सिचुएशन या इम्पैक्टफुल मोमेंट या टर्निंग पॉइंट, कोई नहीं सिर्फ इफ्तिखार चाचा। यार इफ्तिखार चाचा ने क्या इनिंग खेली है, ये देखो 24 बॉलों पे 60 रन, यार 250 प्लस के स्ट्राइक रेट पे उस बंदे ने बैटिंग करके मैच बिल्कुल एक तरफ ले गया। और अगर मैं ये बोलूँ ना कि उसी की वजह से पाकिस्तान मैच हार रहा है तो ये भी गलत नहीं होगा। 3 बॉलों पे 5 रन, यार अगर आपकी एक बॉल मिस भी हो जाएगी तो आप अगली बॉल पे छक्का भी लगा सकते हो, इवन लास्ट बॉल पे भी चांस है। लेकिन क्या मतलब, वो होता है ना कि जब बंदे की शॉट्स लग रही होती हैं तो सोचते हैं यार लग ही जाएगी, तो वो एक मिस हिट हुई, थोड़ी सी कनेक्ट नहीं हुई और उसके बाद तो फिर देखा कि 2 बॉलों पे 5 रन, जो कि थोड़े से लग जाता तो लग जाता, नहीं लगा तो पाकिस्तान हार गया। तो बींग अ पाकिस्तानी यार ख्वाहिश तो ये हो रही थी कि जीत जाए, लेकिन बींग अ क्रिकेट लवर या व्यूअर ये हुआ कि चलो यार न्यूजीलैंड जीत गया और आगे सीरीज में अब चांस बनेगा। तो यार ये तो था। और जो है वो न्यूजीलैंड ने आज क्या कहते हैं पहली बैटिंग करी टॉस जीतकर, और अच्छा टोटल मतलब 163 लग नहीं रहा था कि इतना मुश्किल होगा पाकिस्तान को, लेकिन यार देखो यही बात होती है कि जब आप चेज कर रहे होते हो ना तो 160 प्लस 65-70 रन जो होते हैं ना वो बहुत ही क्रूशल हो जाते हैं, स्पेशली अगर आपके ऊपर से विकेट्स गिर जाएं। जो सेकंड T20 हुआ था उसमें हमने पहले बैटिंग करी और बड़ा टोटल किंग बाबर आजम ने अपने 100 मैच में 101 नॉट आउट बनाए। तो यार ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। बाबर आजम तो मतलब रिकॉर्ड्स ब्रेक करे जा रहा है और बनाए जा रहा है, जो कि अभी करंट सिचुएशन में तो नहीं लग रहा कि कोई भी एज अ प्लेयर या एज अ बैट्समैन इतना कैपेबल होगा रन्स बनाने में, और जो इसका विनिंग रेशियो चल रहा है ना फिलहाल, तो ये है। और यार देखो पाकिस्तानी टीम भी ना यार बहुत ज़्यादा ट्राई करती है समटाइम्स, के सभी को खिला दिया, आज नसीम शाह को भी खिला दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ, हारिस रऊफ को भी खिलाए जा रहे हैं, शाहीन शाह को भी खिलाए जा रहे हैं। भाई देखो इस सीरीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट आपको जो अफगानिस्तान वाली सीरीज थी वहाँ आपने इतने यंग प्लेयर्स भेज दिए, बिल्कुल सबको बिठा कर वहाँ भेज दिया था, ये होम सीरीज थी, यहाँ आप अपने यंग लड़कों को चांस दे सकते हो, विनिंग और लूजिंग डजेंट मैटर इन दिस सीरीज। लेकिन भाई कोई बात नहीं, PCB जो है वो एक डिफरेंट परस्पेक्टिव में सोच रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नजम सेठी वर्सेज बाबर आजम हुआ हुआ है, बाबर आजम जो है वो बार बार अपने बैट से जवाब दिए जा रहे हैं और बोल रहा है कि भाई मत करो ये सब मत करो, और बहुत सारे हमारे एक्स क्रिकेटर जो कि थोड़े से पाकिस्तान से लॉयल है ना वो भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त इसकी कैप्टनसी को मत छेड़ो, T20 में करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका इम्पैक्ट ना इसकी वनडे कैप्टनसी पर ना आए बस, क्योंकि हमारे पास वनडे इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया कप और ODI का वर्ल्ड कप, वो बहुत ज़्यादा अभी गर्मा गर्म खबरों में और न्यूज़ में है, उस पर तो हम खैर डिटेल में बात करते जाएंगे। तो यार ODI वर्ल्ड कप पे तो पूरा ईयर राउंड जो है वो बात चलती रहेगी, जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाएगा और इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं आ जाएगा तब तक। लेकिन अगर आज की हम स्पेसिफिक बात करें इस T20 मैच पे, तो एक टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आउटराइट मैच हार जाएगा, मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि यार हार जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में ही पता चला कि भाई इफ्तिखार चाचा ने, तो यार देखो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई कि पाकिस्तान क्या चाह रहा है, मतलब किस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किस चीज़ को जो है ना ये मतलब विद इन टीम के निगेट कर रहे हैं या जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इफ्तिखार आपके पास प्योर बैट्समैन है, उसकी बॉलिंग उसका एडिटिव है, वो प्योर ऑलराउंडर कैटेगरी में नहीं आता, आप शादाब को क्यों ऊपर भेज रहे हो, फिर उसके बाद इमाद वसीम को, उसके बाद वो अपना शाहीन शाह, यार शाहीन शाह को भाई वो PSL एक अलग सेपरेट इशू था, PSL का गेम या इंटरनेशनल प्रेशर जो होता है ना, इंटरनेशनल गेम का प्रेशर वो डिफरेंट होता है, आप शाहीन शाह आफरीदी को इफ्तिखार से ऊपर भेज रहे हो, ठीक है अगर आज इफ्तिखार 8वें 9वें नंबर पर आके मैच जितवा देता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या मैनेजमेंट थिंक कर रही है या क्या वो सोच रहे हैं। भाई अगर यही सब करना है तो यंग लड़कों को चांस दे दो, एटलीस्ट वो बॉलिंग भी पूरी कर लेंगे, और बैट्समैन जो बैठे हुए बाहर, हारिस बैठा हुआ है, रिजवान को क्यों खिलाया आज भाई, हारिस को खिला लेते,
पता नहीं क्या यार 50 कर दिए थे, इज्जत से बाहर बैठता, हारिस को ये मैच देते, अगला मैच भी देते, अगर ऊपर नीचे होता तो रिजवान को फिर पांचवें मैच में खिला देते। अब देखो ना, अब सीरीज हो गई 2-1, अब तो ये सोचेंगे भी नहीं कि किसी नए लड़के को खिलाएं। हारिस रऊफ को खिलाए जा रहे हैं, शाहीन को भी खिलाए जा रहे हैं, शादाब तो चलो खेल ही रहा, शादाब को बिठा के मोहम्मद नवाज को खिला दो, नहीं वो शादाब को जो है वो पांचवें नंबर पे भेज दो, तो किस चक्कर में क्या प्रूफ करना चाह रहे हो भाई? इफ्तिखार आपके पास प्रॉपर बैट्समैन है, उन्होंने पहले मैच में भी यही गलती करी थी, और देखो दूसरे मैच में भी इफ्तिखार ने ही बचाया था ना, जब 3-4 आउट हो गए थे बाबर आजम के साथ, इफ्तिखार ने ही रन करे थे। लेकिन आज जो है वो फिर उसको यार 90 नंबर पे भेज रहे, 8वें या 90 नंबर पे वो आया है, फिर अगर वो भी आउट हो जाता तो बोलते उससे रन नहीं हुए नीचे। अबे भाई तो आप बैटिंग ऑर्डर तो देखो, मतलब शाहीन, इमाद वसीम और शादाब से ऊपर आप उसके नीचे भेज रहे हो, हेड सॉफ्ट है भाई, पता नहीं क्या सोच रहे हैं यार ये लोग। ठीक हुआ क्योंकि हार गए ना, अब ठीक है, अब थोड़ा सा इनको रीथिंक करने का टाइम मिलेगा और कोशिश करेंगे ये दूसरों को भी चांस दें, मतलब यंगस्टर्स जो बैठे हुए हैं। यार हार जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अब देखना पड़ेगा यार ये जो पिक्चर है इफ्तिखार चाचा की आउट होने के बाद, इस पर मैं जो शुरू में मैंने बात बोली कि भाई मैच बनाया भी इसी ने और लिटरली गड़वाया भी इसी ने, यार ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। वही अगेन मैं बात को रिपीट करूंगा कि जब आपके लग रहे होते हैं ना, आप सोचते हो यार हर बॉल पे लग जाएंगे और हर बॉल क्लियर हो जाएगा, 3 बॉलों पे 5 रन, यार थोड़ा सा सेंसेबल खेलते, डबल दुग्गी की या सिंगल ले लेते, चलो सिंगल तो मुश्किल था लेकिन चौका भी लग सकता था और आखिरी बॉल पे भी 1 रन बन सकता था, लेकिन चलो खैर हारना था वो हार गए, अब क्या कर सकते हैं। तो ये मैच पे था यार, थोड़ी सी बात जो है ना, देखो वही देखो यार कहाँ भेजा इफ्तिखार को, सही है ना, 8वें नंबर पे इफ्तिखार को भेजा है, क्या बैटिंग ऑर्डर खिला रहे हो? शादाब को पता नहीं क्यों जो है वो इतना ऊपर भेज रहे हो, फिर इमाद, फिर शाहीन, भाई शाहीन को बॉलर ही रहने दो, उसको ऐसा नहीं बनाओ कि अभी से उसको इतना चने के झाड़ पे चढ़ा दो, भाई ठीक है पीएसएल में हो गया दैट्स इट, खत्म खल्ली बल्ली। खैर यार चलो ये तो आज पे मैच पर हो गया, भाई इम्पैक्टफुल प्लेयर भी मैं इसको बोलूँगा, इम्पैक्टफुल सिचुएशन जब इसने छक्के मारना शुरू करे वो था, और मैच का टर्निंग पॉइंट जहाँ ये आउट हुआ, बस और किसी चीज़ को नहीं है। तो तीनों चीज़ें आज इफ्तिखार पे ही जाती हैं, ये मैच आउटराइट जितवा चुका था, इसके आउट होना जो था वो टर्निंग पॉइंट था, या निशम की वो बॉल जिस पे ये आउट हुआ, लेकिन इसका आउट होना ही मेन हो गया, वरना तो पाकिस्तान मैच जीत गया था। और जहाँ से इसने छक्के मारना शुरू करे वो भी टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उस वक्त मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान के फेवर में आ गया था। लेकिन तो खैर ये रहा, बहरहाल सीरीज़ अलाइव हो गई है, अच्छा आएगा, अब जो 20 तारीख को मैच है उसको देखने में मज़ा आएगा। तो मैं यार थोड़ी सी और बात करना चाह रहा था कि जो मैंने किंग बाबर आजम की 100 जो है वो मिस कर दी, उस पर वीडियो नहीं बनाई, वो थोड़ा सा उस दिन यार मैं बिजी था, मतलब यार सीरियसली मैंने उससे पहली वाली वीडियो में जो एक दिन पहले मैच हुआ था उसमें मैंने बोला था कि भाई बाबर आजम या नजम सिटी वर्सेस जो है वो बाबर आजम चल रहा है, और नजम सिटी का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी चल रहा है इस वक्त, क्योंकि वो अपने जो मोहरे हैं ना शतरंज के वो बड़े कैलकुलेटेड मूव कर रहे हैं। लेकिन भाई ये बंदा, मतलब वो कहते हैं ना क्रिकेटर को या किसी भी स्पोर्ट्समैन को कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना अपने क्रिटिक्स के या जो आपके लोग अगेंस्ट हैं उनको जवाब दो। हालांकि यार ये बाबर आजम के लिए अपना रूटीन हो गया है कि 1-2 इनिंग उसकी अगर जाती हैं अप डाउन, अभी तो खैर बहुत ऐसा होने लगा है कि बहुत बड़ी इनिंग खेलता है फिर 1-2 इनिंग ना बिल्कुल कम हो जाती है, वरना बाबर आजम की कंसिस्टेंसी तो ये थी कि 40-50, 40-50, 55-60 रन तो ये कर ही रहा था। लेकिन अब इसने अपना थोड़ा सा गेम को चेंज किया है, क्यों? क्योंकि उसको भी पता यार इतना शोर हो रहा है उसके ऊपर, किस चीज़ का, क्या स्ट्राइक रेट, तो वो भी कोशिश करता है यार मैं थोड़ा ना पावर प्ले में एज मच एज पॉसिबल जो है ना वो हार्ड हिटिंग करके या स्ट्राइक तेज़ी से रोटेट करके 40-50-60 रन अपने कर जाऊं। लेकिन उस दिन तो भाई इसने इनिंग खेली, 3-4 एक साथ आउट हो गए थे, फिर उसके साथ इफ्तिखार के साथ उसको भी पूरा टाइम दिया, और जो आई थिंक 18वां और 20वां ओवर जो उसको मिला उस वक्त तक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसके 100 हो जाएंगे, लेकिन भाई हेड्स ऑफ और रिकॉर्ड्स बनाए जा रहा है। आई थिंक सबसे ज़्यादा 100 पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली T20 में हो गई हैं, और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आ गया है, क्रिस गेल की 22 हैं, उसको तो यार छोड़ दो क्रिस गेल को, वो तो पता नहीं अन्ना पौने लीग्स में भी 100-100 करके जो है ना उसने रिकॉर्ड बनाया हुआ, इतने सालों से खेल रहा है, तो यूनिवर्सल बॉस है यार, ठीक है बस वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बाबर आजम आज के करंट एरा में ये जिसने 3 इंटरनेशनल 100 और तीनों इसकी एज अ कैप्टन है, ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है यार। तो अभी देखते हैं भाई ये कहाँ तक जाता है, और अभी मैं एक स्टैट देख रहा था जिसमें इसके कुछ रन्स रह गए कि वो और मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है ना इसके नाम आ जाएंगे। भाई देखो यार बाबर आजम एक हमारे एक्स क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़ ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि बाबर आजम आपको जो है ना कोहिनूर मिला है, इसको यार ज़ाया नहीं करो, इसको कहीं भेज मत दो, इसको मतलब मीडिया जो गेम कर रहा है ना, क्योंकि मीडिया में जो गेम करवा रहे हैं
वो कोई नहीं है, पीसीबी के हेड वाले लोग हैं जो इस वक्त हेड बैठे हुए हैं ना पीसीबी में, जो इंटरिम पीसीबी आई है। क्योंकि भाई ये जो इंटरिम पीसीबी सेटअप आया है, ये हम सबको पता है ये किसके मातहत हैं, और जो मातहत हैं वो हमारे मुल्क का क्या हाल कर रहे हैं वो भी हम सबको पता है। तो इनकी पॉलिसी ये की है, भले उन्होंने पीएसएल लीग बनाई हो, इनॉग्रेट करा हो, सब कुछ किया हो, लेकिन जो उनकी बैक स्टैबिंग है ना इस मुल्क के लिए, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट भाई मेरा तो अपना ये एनालिसिस है, लेकिन हाँ ये मेरी अपनी एनालिसिस है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि शायद आप लोग क्रिकेट को उस हवाले से सोचते ना हो, देखते ना हो। चाहता हर कोई अच्छा है कि पाकिस्तान का अच्छा हो, लेकिन यार ये कौन सी पॉलिसी है। पहले देखो सरफराज को हटाया, वो गलत, वो भी पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। अब भी इसको हटाना जो है ना वो भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यों, बाबर आजम की जो है ना वो सुप्रीमेसी को तोड़ने के लिए, या जो टीम एफर्ट एक बनी हुई है, टीम बॉन्डिंग बनी हुई है अंदर, के इसके साथ सात आठ प्लेयर हैं, शादाब के साथ चार पांच प्लेयर हैं। देखो कैप्टेंसी बनाया, शादाब को कैप्टन बना के भेजा ना अफगानिस्तान के खिलाफ, क्या हुआ, बैकफायर हो गया। अब उस बैकफायर को संभालने में लगे हुए हैं, फिर इसने सौ कर दिया। देखते हैं भाई, मज़ा आ रहा है वैसे ये राइवलरी देखने में, कि विद इन, यार मत करो भाई ऐसा, वैसे ही हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं बचा। अगर बाबर आजम इस वक्त पब्लिक फिगर है, मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी आपके पाकिस्तान का है, पॉपुलैरिटी से याद आया कि न्यूज़ जो आ रही है ना यार, या खबरें जो आ रही होती हैं उसमें ये भी है कि भाई बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स को जो बहुत पॉपुलर रह चुके हैं 90s के एरा में या 2000 के एरा में, उनको भी बड़ी तकलीफ हो रही है इसकी पॉपुलैरिटी से। देखो यार, अल्लाह जिसको इज्जत देना उसकी इज्जत करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसको इज्जत दे रहा है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है और वो फील्ड पर नज़र आ रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, इस वक्त पूरी दुनिया जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है वो इसको प्रेस कर रही है, और इन फ्यूचर अभी भी नंबर वन ही है, इन फ्यूचर भी। हाँ ये है कि इसके थोड़े से मैच विनिंग जो नॉक्स है ना वो कम है, लेकिन उसकी यार एक वजह भी है। देखो इफ्तिखार आज 8वें नंबर पर आगे 20 बॉलों पे या 24 बॉलों पे 60 रन कर गया, ये शुरू में लेके मैच को चलता है, ठीक है। अगर ये नीचे आएगा और ये 10 बॉलों पे 25 रन या 30 रन करके मैच जितवा देगा तो उसकी कितनी काउंटिंग होगी, कितने प्लेयर्स हैं। आसिफ अली आया, इफ्तिखार की आज तक रिकग्निशन नहीं है, बस वो चाचा चाचा के नाम से मशहूर है। आसिफ अली कहाँ, एक अफगानिस्तान वाला मैच जिताया, दूसरा एक न्यूजीलैंड वाला मैच जिताया, कहाँ है वो। कितने सारे क्रिकेटर्स आ चुके हैं आपके पास पाकिस्तान में, चाहे वो पर्ची से आए हों, चाहे वो रॉ टैलेंट हो, या चाहे उनको इंजेक्ट किया हो ज़बरदस्ती किसी के भी रेफरेंसेस से। अभी मुझे बताओ बाबर आजम से ज़्यादा कोई स्टैंडिंग है किसी की, किसी की भी ले लो। रिजवान भी मेहनत कर रहा है, रिजवान की भी उतनी वो नहीं है पॉपुलैरिटी जितनी इस वक्त बाबर आजम की बनी हुई है। दो रीजंस हैं, एक नंबर वन बैट्समैन है पाकिस्तान का, और दूसरा कैप्टेंसी की वजह से भी। देखो यार जो भी है, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया इसने, हाँ ठीक है उसमें लक फैक्टर था, साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड्स ने हराया तो हम क्वालिफाई कर गए, वो ठीक है। लेकिन भाई अगेन उसको अल्लाह इज्जत दे रहा है, अल्लाह ने ही चाहता ना कि T20 वर्ल्ड कप का हम फाइनल खेलें। हारना जीतना एक अलग बात होती है यार, लेकिन कहाँ गई आपकी सारी बड़ी बड़ी टीम है, कहाँ गई आपकी साउथ। इंग्लैंड का तो वैसे ही प्रिडिक्ट हो रहा था कि वो जीत जाएगा, इंडिया ने हरा दिया था इंग्लैंड को, नहीं हराया ना, सेमीफाइनल हार गए थे इंग्लैंड से, आप तो सेमीफाइनल में पहुंच गए, हमें इंडिया ने हराया था, लेकिन क्या हुआ, बाहर हो गए थे ना वो। तो फिर कहाँ जाती हैं सारी चीज़ें भाई। जिसको अगेन वही बात है कि जिसको इस वक्त उसको इज्जत मिली हुई है, उसको इज्जत दो, उसको अप्रिशिएट करो और उसको कॉन्फिडेंस दो, ताकि वो अपना माइंड सेट मतलब फ्री रख कर जो है ना वो आगे बढ़े, कि मुझे अभी एशिया कप भी खेलना है, मुझे अभी ODI वर्ल्ड कप भी खेलना है, उसको तो खेलना है। तो पॉलिटिकल डिसीजन जो भी हो, जाना नहीं जाना, वैसे तो यार जाएंगे हम, इतना तो मुझे भी पता है। अभी तो हमारी अपनी कंट्री के हालात का नहीं पता चल रहा कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे कब नहीं होंगे, रोज़ का जो है ना वो एक RR चल रहा होता है पाकिस्तान के अंदर। तो खैर भाई ये था, मैंने कहा यार दोनों वीडियोज़ को कवर कर लें। बाबर आजम भाई हेड्स ऑफ टू यू और कीप गोइंग लाइक दिस, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाओ, रिकॉर्ड्स तोड़ते रहो, मेरी तो दुआ पर्सनली ये है भाई। और पाकिस्तान जीतता तो हम सबको खुशी होती है भाई, हमें मतलब कॉमन आदमी को या आम आवाम को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता PCB में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, जीत और हार इम्पैक्ट करती है। आज भी लाहौर में लाहौरियों के मुंह उतर गए थे, जाहिर सी बात है यार, जीता हुआ मैच उनको एक टाइम पे लग रहा था हार जाएंगे, फिर वो इफ्तिखार ने बनाया तो फिर हार गए, हमें भी अफसोस हुआ। लेकिन मैंने कहा ना एज अ व्यूअर या क्रिकेटिंग फैन मुझे हुआ कि यार चलो सीरीज इज ओपन, अब चौथा मैच देखने में मज़ा आएगा। अगेन न्यूजीलैंड जीत गया तो पांचवें मैच का तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा, बिल्कुल वो तो डिसाइडर हो जाएगा। और उससे पहले जो वनडे इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे देखना वनडे में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन चलो एंटरटेनमेंट के लिए ये T20 भी बुरे नहीं है। तो दोस्तों ये था तीसरे T20 का, और थोड़ा सेकंड T20 में तो यार बाबर आजम ही इम्पैक्टफुल था, तो मैंने सोचा दोनों पे थोड़ी बात कर ली जाए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे चौथे T20 के बाद, होपफुली या तो वो चांद रात होगी या फिर देखते हैं कौन सा 29वां रोज़ा तो होगा।
और उसके बाद फिर मुलाकात होती है। तो आप लोग रोज़े वगैरह कैसे जा रहे हैं? सहरी वगैरह टाइट शाइट चल रही है? इफ्तारी वगैरह टाइट चल रही है? बिल्कुल यार, दबा के सहरी करो, दबा के इफ्तारी करो, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। दोस्तों मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें और अपने लिए दुआ करें। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।